हेलो स्टूडेंट्स, श्रीराम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि, संधि ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो संधि क्या है बेटा? संधि का मतलब वैसे तो होता है जोड़ना या मिलाना। संधि मतलब होती है जोड़ या मिलाना, या कह सकते हैं संधि करना मतलब किसी से किसी का मेल मिलाप करना। तो यहाँ पर हमारे व्याकरण में संधि क्या है? संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो वे एक नया रूप धारण कर लेती हैं। अब कैसे धारण करती हैं वो देखिए, और इस संयोग की जो नया रूप धारण करती है, इस संयोग की प्रक्रिया को ही संधि कहते हैं। जैसे नरेश नरेश, महाउत्सव महोत्सव, राइट। अब देखिए इसमें नर ईश में जो नर ईश नरेश है ना, तो नर ईश में क्या है? इसमें अ है छोटा, र के र में अ मिला हुआ है छोटा, यानी अ है, और बड़ी ई, अ और ई के मेल से ए ध्वनि बनी। और यहाँ महा उत्सव में बड़ा आ और छोटा ऊ से बनी ओ। तो इस प्रकार से इन दो ध्वनियों के मेल से एक नई ध्वनि बनती है। तो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्लियर? संधि विच्छेद क्या होती है? संधि जो होती है वो संयुक्त संधि युक्त वर्णों को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब जैसे ये है, ये तो संधि है, इसे विच्छेद करते हैं मतलब तोड़ते हैं, तो ये विच्छेद हो गया, तो ये दोनों मिला करके हुई संधि विच्छेद, राइट। अब संधि के भेद कितने हैं? संधि के भेद तीन हैं, स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि, राइट। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? अब स्वर यहाँ पर लिखा है ना, स्वर, ध्यान रखिएगा, इसमें स्वर संधि में स्वर का क्या होता है? स्वर का ही सब होता है, स्वर का ही मेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्वर का ही मेल होता है, यानी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, मतलब इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, ये स्वरों का मेल हो रहा है ना। अब है सूर्य, सूर्य में छोटा आ है और इसमें ऊ है, ये सारे स्वर हैं, अ आ ई ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। तो स्वरों का स्वरों से मेल होना ही स्वर संधि कहलाता है, राइट। अब स्वर संधि के भी पाँच भेद हैं। स्वर संधि के पांच भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, राइट। अब ये देखिए, ये पांचों जो संधियां हैं हमारी, अब इनके प्रकार लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर संधि में आपको मैं दीर्घ संधि समझाती हूँ। दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ मतलब है बड़ा, दीर्घ से समझ में आ रहा है ना आपको। दीर्घ संधि जो है वो दीर्घ संधि शब्द के अनुसार, दीर्घ मतलब बड़ी। तो ये किस प्रकार से हम इसको समझेंगे? दीर्घ संधि में दो समान स्वरों यानी अ ई उ के मेल से दीर्घ आ या दीर्घ ई या दीर्घ उ ये हो जाता है। मतलब दीर्घ संधि में क्या होता है? सारे जो आपके वर्ण हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखिए, धर्म अर्थ ये बन गया आ, अधिक अंश इसमें भी छोटा आ है, इसमें भी छोटा आ है, तो ये बन गया अधिकांश यानी बड़ा। तो इस प्रकार से इस प्रकार से संधि में क्या होता है? कोई भी स्वर मिले हमेशा ही दीर्घ स्वर बनता है, बड़ा स्वर बनता है। जैसे अब आप यहाँ थोड़े से एग्जांपल्स देख लीजिए, बड़ा आ से छोटा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़े आ से बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, और उधर देखा था हमने छोटे आ से छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, राइट। अब यहाँ देखिए, हो गया ना दीक्षा अंत दीक्षांत, विद्यार्थी विद्यार्थी, महात्मा महात्मा, महान आनंद महाआनंद हो गया। हम अब छोटी छोटी बड़ी, छोटी बड़ी बड़ी
बड़ी और बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई, मतलब चाहे इधर हो चाहे उधर हो, किसी भी साइड में हो, ये बनेगा बड़ा, बनेगी ये बड़ी, बड़ी ई बड़ी से बड़ी ई बनी, इधर बड़ी ई प्लस जमा छोटी ई है तब भी बड़ी ई बनी, इधर छोटी ई छोटी ई है फिर भी बड़ी ई बनी, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई है फिर भी बड़ी ई बनी, मतलब कुल मिलाकर के दीर्घ ही स्वर बनना है, चाहे वो आ हो चाहे ई हो चाहे ऊ हो। क्लियर? आगे देखिए, आगे एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो। सचिंद्र सची, इंद्र सचिंद्र, नारी इंदु नारिंदु, नारी ईश नारीश। और ऊ का देख लीजिए एग्जांपल एक बार, सु उक्ति सूक्ति, बड़ा बन गया, लघु ऊष्मा लघु ऊष्मा, विदुदय विदुदय, लघु उर्मी लघु उर्मी, सब बड़े बन गए ना इधर। भू उत्सर्ग भूत्सर्ग, भू ऊर्जा भूर्जा, बधु उल्लेख बधु उल्लेख, सभी दीर्घ बन गए, सभी स्वर क्या हैं, दीर्घ बन गए, राइट। दूसरी संधि गुण संधि है, गुण संधि संधि मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ओके बेटा, तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू।